अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का लेसन होगा मेरा साइड पोज वाला, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था साइड पोज वाली तस्वीर। उसमें मैंने आपको पहले सिर्फ नाक, माथा और होंठ जो है वो नहीं बताए थे, और नाक जो है वो अलग से बताई थी, होंठ मैंने अलग से बताए थे। तो आज आपको मैं पूरा चेहरा जो है ना वो बना कर दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ से यूँ माथा बनाना है आपने, ठीक है, और यहाँ से फिर हमारी नाक आएगी, ऐसे, और यहाँ से थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से मोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे होंठ आ जाएंगे, ऐसे ये होंठ आ गए। ठीक है ना, यहाँ से साथ ही थोड़ा थोड़ा शेड लगा दें। ठीक है, और ये हमारी थोड़ी आ गई, ऐसे है। ठीक है, अब आपने देखना है कि थोड़ी और नाक की तकरीबन जो लंबाई होती है ना बराबर होती है, यानी अक्सर देखने में जो आया है ना, नाक की लंबाई जितनी होती है उतनी ही लंबाई आपकी थोड़ी की भी होगी, फिर वो चेहरा जो है ना मुनासिब एंगल से देखा जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था आपको ऐसे लगाना है, और ये शेड बाद में करेंगे। ठीक है, यूँ इसकी डार्क थोड़ी सी कर लें लाइन, ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये ऐसे है। और आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जिन लोगों को शौक़ है इसका, वो बहुत अच्छे शौक से देख रहे हैं, मैं कमेंट से आपके देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ठीक है ना, और मुझे पता चल रहा है कि आप लोग कितनी दिलचस्पी से देख रहे हो। यहाँ पे आँख बनाएंगे, नाक के सामने आँख होती है, ठीक है ना, यूँ ऐसे, ये इसकी पलकें आ गई। यहाँ पे ये शेड लगा देंगे, ऐसे, यहाँ पे ये, ठीक है ना। देखा, अब आपको समझ आ रही है ना, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि साइड पोज, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइड पोज की आँख, ताकि जब हम तस्वीर बनाते हैं ना तस्वीर के अंदर फिर इसका इस्तेमाल होता है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, देखा ना आपने, ये पहले हम इसीलिए अलग अलग चीज़ें देखते हैं, बनाने हैं, सीखते हैं, ताकि हमें फिर तस्वीर में इस्तेमाल इसका आसानी से आ जाए। ठीक है ना, ये ऐसे, ये मैंने अलग से बताया था ना आपको, बिल्कुल वैसे ही हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे यहाँ थोड़ी सी लाइन डार्क कर दें, और ये पलकें हल्की सी यूँ, और अब इसका हल्का सा शेड लगा दें। शेड लगाएंगे तो ये ऐसी तस्वीर में जैसे होता है यूँ, शेड बहुत लाइट है, आपने पेंसिल पकड़नी है जैसे मैंने पकड़ी है। ठीक है ना, ऐसे, अब ऐसे शेड करते हैं कि ये बिल्कुल, यानी असल के करीब नज़र आए। ठीक है, जैसे आप तस्वीर खिंचवाते हैं, आपको पता है ना कैमरे से बनती है जो हमारी तस्वीर, उसमें भी आपको पता है ना, यहाँ से ये डार्क थोड़ा लाइट यहाँ से कैसे होता है, तो ये उसी तरीके से हम लोग तस्वीर का काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है ना, यूँ अब ये शेड आ रहे हैं, लेकिन शेड से महसूस नहीं होंगे, आपने ऐसे तरीके से शेड लगाना है कि ये शेड लाइन है इसकी बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हों सफाई से, ऐसे।
ठीक है ना। अभी मैं इसका सिर्फ स्केच बना के आपको बता रही हूँ, साइड पोज वाला, ठीक है ना। पहले होंठ नहीं बनाए थे, अब होंठों के साथ नाक, यहाँ तक मैंने पहले बताया था आपको, तो अब ये होंठ के साथ बना रही हूँ, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता फिर इंशाल्लाह और ज़्यादा इसमें आपको मैं चीज़ें बताती जाऊँगी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और पेंसिल जैसे चला रही हूँ मैं वैसे पेंसिल भी इस्तेमाल करने का तरीका देखना, और यहाँ पे इसका शेड लगाना थोड़ा सा यूँ, ठीक है ना। ये था हमारा आज का लेसन, और अब आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट्स भी देने हैं, लाइक भी करना है, ठीक है। और स्केचबुक रखनी है अपने पास, और साथ साथ उस पर आप बना के इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना। फिर आपको इसका बहुत अच्छा समझ आ जाएगी, ऐसे यहाँ से बेशक थोड़ा सा इसका शेड ज़्यादा करना, ठीक है ना। ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ऐसे बस, ठीक है ना। तो आज का ये लेसन था, आप लोग दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। और अब इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़।